वाणी चल रही थी 18/7/2000 की। बाबा ने पूछा, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो? तीसरा नेत्र मना बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र खुला है? कोई के रूप को देखते हो तो उसका वो आत्मरूप अनेक जन्मों का दिखाई पड़ता है? क्योंकि इन आंखों से तो आत्मा और परमात्मा दोनों दिखाई नहीं पड़ती, इन आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। जिसका बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र खुला होगा, दिव्य चक्षु कहो दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र कहो, उस तीसरे नेत्र से जिसने उसको पहचाना होगा तो पहचान सकता है, बाकी इन आंखों से समझ में नहीं आ सकता है। ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है, या परमात्मा है, या धर्मात्मा है, ये आंखें नहीं पहचान सकती। ये पूछा, ऐसे त्रिनेत्री बने हो, तीसरा दिव्य बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खुला है और त्रिकालदर्शी बने हो, तीनों काल को जानने वाले, भविष्य को भी जानने वाले, वर्तमान को भी जानने वाले, पास्ट को भी जानने वाले, अपने तीनों कालों को भी जानने वाले, और जो भी आत्माएं सन्मुख आती है उनके तीनों कालों का बोध हो जाता है, तो 100% में सही, कुछ परसेंट में भी हो जाता है, अगर कुछ परसेंट में भी हो जाता है तो भी त्रिकालदर्शी कहेंगे। मनुष्य तो कोई त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बना नहीं सकता, कौन बना सकता है? जो खुद होगा वो दूसरों को बनाएगा, खुद ही नहीं होगा तो दूसरों को कहां से बनाएगा? तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बाप ही आकर के बनाते हैं। त्रिनेत्री बाप का रूप क्या दिखाया गया है शास्त्रों में, चित्रों में, जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनके बीच में त्रिनेत्री बाप का रूप क्या है? कौन से देवता का रूप दिखाया गया है त्रिनेत्री? शंकर को दिखाते हैं, कहते भी है उनको तुम आदि देव है, तुम आदि देव हो, देवताओं के भी आदि हो, तो सबका पिता हुआ ना, वो त्रिनेत्री बाप आकर के बच्चों को त्रिनेत्री बनाते हैं, और कोई नहीं बना सकता। तुमको भी बनाने वाला बाप है, कौन बाप? किसका बाप? ऐसे नहीं सिर्फ देवताओं का ही बाप है, एक ही देवता ऐसा है जो आसुरी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की दृष्टि रखता है, उनको भी वरदान दे देता है,
और देवात्माओं को भी वरदान दे देता है। अगर कोई बिगड़े हुए हैं तो उनके प्रति शुभ भावना है उसके दिल में। कोई बाप ऐसा होता है जो अपने बिगड़ेल बच्चे के प्रति शुभ भावना न रखता हो? होता है कोई बाप? बाप का संबंध ही ऐसा होता है बच्चे के प्रति कि वो बच्चे का हर हालत में सुधार चाहता है, अपने बच्चे को अपने से भी ऊंच देखना चाहता है। तो बोला, तुमको भी बनाने वाला बाप है। इसको उनको नहीं, तुमको। क्यों? हाँ, ऐसे तो सारी दुनिया 500 करोड़ की दुनिया परमात्मा बाप के बच्चे हैं, लेकिन 500 करोड़ की दुनिया परमात्मा बाप के सन्मुख आकर के सुनने का साहस नहीं करती या पुरुषार्थ नहीं करती। लेकिन तुम बच्चों में ये विशेष शिष्ट है कि तुम बाप को पहचान करके बाप के सन्मुख आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनने का साहस करते हो, हिम्मत करते हो। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनो। क्या जब तक नास्तिक है? नास्तिक मन आस्था और नास्था, आस्तिक और ना आस्तिक के अंदर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भावना नहीं है, तो वो प्राप्ति नहीं कर सकता। श्रद्धावान लवते ज्ञानम। कभी भी क्या बोला? जो श्रद्धावान है वो भगवान का ज्ञान लाभ कर सकता है, भगवान के ज्ञान से लाभ ले सकता है, और अश्रद्धालु है, अंदर से उसके अंदर काली आंख भरी हुई है, मन में राम बगल में छुरी, तो प्राप्ति नहीं कर। इसलिए बोला, आस्तिक हो तो त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनते हैं, आस्तिक नहीं हो, आस्था नहीं है, तो न त्रिकालदर्शी बनेंगे और न त्रिनेत्री बनेंगे। सारा ड्रामा का राज तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। मूल वतन, मूल माना जड़, शुरुआत कहाँ से होती है, मूल रूप में हम आत्मा क्या थे, मूल रूप में हम आत्मा निसंकल्प स्टेज में थे। जैसे हमारा बाप, उसको कोई संकल्प विकल्प पैदा नहीं होता। हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो निराकारी है, निरहंकारी है, निर्विकारी है, ऐसी स्टेज में हम बच्चे भी टिकेंगे। मूल वतनवासी थे, निसंकल्पी स्टेज थी हमारी, कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या, तो संकल्प उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे मूल वतन, और उसके बाद नीची स्टेज वाला है सूक्ष्म वतन। ऐसा वतन जहाँ आत्मा सूक्ष्म संकल्पों में रमण करती है, मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म गहराइयों में रहती है, जहाँ से आत्मा के अनेक जन्मों का साक्षात्कार होता है, इस सृष्टि के अनेक प्रक्रियाओं का साक्षात्कार हो जाता है। सृष्टि कैसे आदि मध्य अंत में घूमती है, चक्र काटती है, उस 84 के चक्र में हमारी आत्मा कैसे कैसे चक्र लगाती है,
ये सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन देह की स्मृति के बगैर जिस स्टेज में चलता है वो है सूक्ष्म वतन। हमारी आत्मा उस सूक्ष्म वतन में रमण करती है सूक्ष्म संकल्पों में, और उसके बाद नीची स्टेज वाला है साकार वतन, जहाँ चौरासी का चक्र चलता है। आत्मा 84 जन्म के चक्र में भ्रमण करती है, 84 जन्म लेती है, 84 चोले धारण करती है, उस साकारी स्टेज में जब हम रहते हैं अनेक जन्म, तो वो है साकार वतन। वो सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, फिर पीछे और धर्म आते 84 के चक्र में। शुरुआत में सिर्फ एक ही धर्म, और बाद में फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे तुम्हारे धर्म की आत्मा वृद्धि को पाती रहती है, वैसे और धर्म की आत्माएं भी वृद्धि को पाती है, लेकिन तुम्हारी संख्या कम हो जाती है और उन बाद में आने वाले दूसरे धर्मों की संख्या बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आत्माएं जितनी जाति जन्म लेती है उतनी जाति कमजोर बन जाती है। ज्यादा सुख भोगने से, शरीर के जन्म लेकर ज्यादा सुख भोगने से, आत्मा रूपी बीज अनेक जन्म लेने से उसकी शक्ति छीन हो जाए। जैसे कोई बीज होता है, मान लो कोई नया बीज की किस्म निकली और वो बीज धरणी में 4-6 बार बोया गया, तो जितनी बार बोया जाएगा उसकी शक्ति, उसका पौधा, उसका फल कम शक्ति वाला होता जाएगा या उतनी ही शक्ति बनी रहेगी, शक्ति कम होती जाएगी, पैदाइश उसकी कम होती जाएगी, उसमें जो सिद्ध है वो कम होती जाएगी। तो ऐसे ही आत्मा भी जब शक्ति रूपी रंगमंच पर आकर के अनेक जन्मों का पार्ट बजाती है, तो अनेक जन्मों में शारीरिक सुख भोगते भोगते, कर्म इंद्रियों से सुख भोगते भोगते उसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। इसलिए शुरुआत में जब पहले कलयुग में आत्माएं थी तो लंबी उम्र होती थी, अभी कलयुग में आकर के 30-40 वर्ष एवरेज एज रह गई, पेट में भी बच्चा मर पड़ता है, शक्ति आत्मा में रहती नहीं, अकाले मौत होने लग पड़ती है। तो ये आत्मा की शक्ति अनेक जन्म के सुख भोगने से अशक्ति में आती। अब जो आत्माएं बहुत पुरानी है, जैसे सनातन धर्म देवता धर्म की जिन्हें हिंदू धर्म कहा जाता है, तो वो तो सबसे पुरानी है, पहले तो एक ही धर्म था, उन्होंने बहुत जन्म लिए, बहुत जन्मों के सुख भोगे, इसलिए द्वापर युग से जब द्वैत फैलाने वाले दूसरे धर्म आते हैं, आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, मोहम्मद साहब, ये आकर के अपने अपने धर्म फैलाते हैं, तो जो नए धर्म की आत्मा आती है वो सात्विक होती है, तत्व प्रधान होती है, बीज रूप स्टेज वाली होती है, और हम देह का सुख भोगते भोगते देवान में आ जाते, इसलिए हम जल्दी से उनके धर्म में कन्वर्ट हो जाते, उनकी बातों से प्रभावित हो जाते। तो कोई किसी की बात से प्रभावित हो जाए मन उसकी प्रजा हो गया। इसलिए हमारे धर्म की संख्या क्षीण होती जाती है। जो देवी देवता सनातन धर्म वाले हैं, जो भी नए धर्म आते गए, वो देवता धर्म की आत्माओं को अपने प्रभाव में लेते गए और कन्वर्ट करते गए। जिसकी में हमेशा यही देखा होगा कि हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, दूसरे धर्म वाले कभी हिंदू नहीं बने, वो अपने धर्म के पक्के रहते।
इसलिए हिंदू धर्म सबसे पुराना होते हुए भी, ये देवी देवता सनातन धर्म सबसे पुराना होते हुए भी इसकी जनसंख्या कम क्यों रह गई? दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, दूसरे धर्मों की जनसंख्या को बढ़ाते रहे। तो बोला और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं गएंगे। ऊपर से धर्म पिताएं आते हैं, नए धर्म स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहेंगे। क्यों? गुरु तो सदगति के लिए होता है। वो आए तो उनके पीछे पीछे उनके जो फॉलोअर्स दूसरी आत्माएं आई, वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के नीचे गिरती गई, और जो कन्वर्ट हो गए उनके धर्म में अपने देवता धर्म के, वो भी कन्वर्ट होने के बाद नीचे गिरते गए। तो दुर्गति हुई कि सदगति हुई? दुर्गति में तो गुरु पाएंगे। इसलिए बोला कि उनको गुरु नहीं कहेंगे, सर्व की सदगति करने वाला सदगुरु तो एक ही है। इसलिए कहते हैं एक ओंकार सदगुरु अकाल हो। इस लोग क्या कहते हैं? एक ओंकार सदगुरु, सदगुरु एक है और गुरु अनेक है। सत्य गुरु माने सच्चा गुरु एक है, तो बाकी गुरु कैसे हो गए? बाकी सब मनुष्य गुरु झूठे हो गए। उसमें इब्राहिम बुद्ध क्या है, गुरु नानक सब आ गए, तो वो सब हुए झूठे गुरु। वो वास्तव में सदगति नहीं करते हैं। सदगुरु करने वाला, सदगति करने वाला सदगुरु तो एक ही बात है। वो धर्म पिता है कोई सदगति करने थोड़े ही आते हैं। उनके आने के बाद तो उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरते हैं और देवता धर्म की आत्माएं भी नीचे गिरती जाती है। वो धर्म स्थापक तो है क्या? धर्म की अपने अपने धर्म की धारणाओं की स्थापना तो करते हैं, लेकिन लेकिन सदगति नहीं करते क्या? सच्ची गति किसी की नहीं करते। सच्ची गति क्या होती है और दुर्गति क्या होती है? एक होती है सदगति, एक होती है दुर्गति। तो उनके आने के बाद मनुष्य सृष्टि की दुर्गति तो होती जाती है, लेकिन सदगति नहीं होती। दुर्गति का मतलब है दुष्ट संकल्प तो बढ़ते जाते हैं हर मनुष्य आत्मा के अंदर, लेकिन सेल्फ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। पहले तो संकल्प सुधरे, संकल्प रूपी बीज सुधरे, तो सदगति की ओर उन्मत्त हुआ मनुष्य। जब संकल्प रूपी बीज ही नीचे गिरता जाता है तो दुर्गति की शुरुआत वहीं से होगी। इसलिए बताया कि वो धर्म स्थापक हैं, उनके द्वारा कोई सदगति थोड़ी होगी। क्राइस्ट को याद करने से सदगति होगी क्या? उसको जो सदगति करने वाला सदगुरु है उसको याद करेंगे तो हमारी सदगति होगी। चोर को याद करेंगे तो चोरी के गुण आएंगे, साहूकार को याद करेंगे तो साहूकारी के गुण आएंगे, धर्मात्मा को याद करेंगे तो धर्म के गुण बढ़ेंगे। परमात्मा सदगति दाता है, उस सदगति करने वाले को याद करेंगे तो हमारी सदगति होगी। क्राइस्ट को याद करने से थोड़ी होगी, उनको याद करने से विकर्म विनाश थोड़े होंगे। विकर्म भस्म किसको याद करने से होंगे? जिसके अपने खुद के पाप कर्म भस्म हुए पड़े, खुद के जिसके भस्म हुए नहीं पड़े हैं, तो दूसरों को भस्म कैसे कराएगा? उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा, इनको धर्म पिताओं को, क्योंकि देहधारी धर्मगुरु धर्म पिताएं हैं, उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो। क्यों? क्योंकि एक से आता है ज्ञान और अनेकों मनुष्य गुरुओं से आता है अज्ञान। भक्ति भक्ति है अज्ञान की अंधेरा और ज्ञान है सवेरा। ज्ञान सिर्फ एक परमात्मा बाप से आता है,
वो जब तक इस सृष्टि पर तीसरा नेत्रधारी न आए तब तक इस सृष्टि में किसी का तीसरा नेत्र खुल नहीं सकता। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो तो तुम पंडित बन सकते हो। पंडों का काम क्या होता है? तीर्थों पर ले जाना, यात्रा कराना। वो तीर्थ यात्रियों की बात नहीं है। सच्चे सच्चे पंडित तो तुम हो जो आत्माओं को सच्चा रास्ता बताते हो। बताया सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने वाले तुम पंडित हो। बाप भी लिबरेटर है, वो गाइड है। उस बाप को याद करने से ही विकल्प विनाश होंगे। क्या कहा? उस बाप को मुरली किसके तन में बोल रहा है? ब्रह्मा के तन में बोल रहा है। तो इस बाप क्यों नहीं कहा? या मैं बाप ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस समय जो पाठ चल रहा था ब्रह्मा के तन में, वो माँ के रूप में पाठ चल रहा था। जैसे छोटे छोटे बच्चों को बेसिक नॉलेज दी जाती है, बेसिक नॉलेज में गहराई की बातें थोड़ी बताई जाती है। जो असली ज्ञान का तत्व है वो तत्व ज्ञान बच्चों को थोड़ी दिया जाता है। बच्चों की बुद्धि जब विकसित हो जाए, विशाल बुद्धि हो जाए, तो उनको गहराई की बातें बताई जाए। वही आप गुह्यतरम ज्ञानम गुह्यते गुह्यरा समझाता हूँ। तो गुह्यता की बात छोटे बच्चे थोड़ी समझते, तो वो माँ की नानी थी इसलिए बताया। उस बाप को याद करो वो तुम्हारी बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र को खोलने वाला है। उसको याद करने से तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। क्या? एक तरफ हम पाप कर्मों को भस्म करने का पुरुषार्थ करते रहे, याद में बैठे, दूसरी आत्माओं को ज्ञान भी दे, दिव्य गुण धारण भी करें, और दूसरी तरफ हमसे विकर्म भी पाप कर्म भी होते रहे, तो रिजल्ट क्या होगा? हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। रिजल्ट हमारा अच्छा अच्छा नहीं आएगा। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो फिर 100 गुना होता जाएगा। दुनिया में दुनिया वाले जो पाप कर्म करते हैं उनको 1 गुना दंड मिलता है, 1 पाप का। और जो ज्ञान में चलने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, ये अंजाम करने के बाद कि हमने बाप को पहचान लिया है और अब हम देवता बनने का पुरुषार्थ करेंगे, और फिर भी बाप को ब्लफ देते हैं, धोखा देते हैं, और फिर उल्टे कर्म करते हैं, तो उनको 100 गुनी सजा मिलती। क्या? दुनिया वालों को 1 पाप की 1 गुनी सजा, और जो बाप के बच्चे बनकर के भी दुनिया को तो बताते हैं कि हमको भगवान बाप मिल गया, खुद भी अंजाम करते हैं और फिर उल्टे कर्म करते हैं, तो उनको 100 गुनी सजा मिलती है। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, अना अपना भर से कहिए प्रयास करो कि हमसे कोई विपरीत कर्म न हो जाए। बाप जैसा कर्म कराना चाहता है वैसा ही कर्म हो, नहीं तो एडिशन भी होगी, पाप कर्मों का बोझा ऐड होता जाएगा और नाम भी बदनाम करेंगे। किसका नाम बदनाम करेंगे? अपना नाम तो बदनाम हो गई, लेकिन इनको पढ़ाने वाला कौन है? ये किसके बच्चे हैं? ये कहते हैं भगवान के बच्चे हैं, और कर्म इनके, कर्म इनके ऐसे दुखदाई है, दुख देने की व्यक्ति है, तो क्या रिजल्ट होगा? भगवान की प्रत्यक्षता करने वाले हुए या भगवान का नाम गुम करने वाले हुए? नाम बदनाम कर देंगे, जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं। फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए ना, छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, लख का चोर तो लख का चोर, पाप तो हो जाता है ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती,
क्या? सबसे बड़ी चोरी की बात कौन सी बताई? सबसे बड़ी चोरी की बात तो ये बताई कि हम दुनिया को कहते हैं हमें भगवान बाप मिला है ब्रह्मा के द्वारा, हम ब्रह्मा पुत्र हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। तो जब आपस में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो गए, ब्रह्मा इस सृष्टि पर आ गया और नई सृष्टि लेते रहा है, तो हम आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए। जब भाई बहन हुए तो भाई बहनों की क्रिमिनल लाई जानी चाहिए, क्रिमिनल एहसान तो होना चाहिए भाई बहनों के लिए, तो बड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम आपस में भाई बहन हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते, कभी ख्याल भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है। स्त्री पुरुष मान लो दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, और मंदिर में जाकर के जो सच्चा मंदिर है जहाँ भगवान पराई पराया रहा है, भगवान का जो असली असली घर है, उसमें जाकर हम ये अंजाम कर आए कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। वास्तव में हम ये एहसास करते हैं कि हमें ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है ब्रह्मा के द्वारा, हम ब्राह्मण बन चुके, ब्रह्मा की औलाद, ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है। वो तो भक्त मंदिरों में जाते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ करके कह देते हैं तुमेव माता च पिता तुम्हें, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो। स्त्री पुरुष दोनों जाकर के हाथ जोड़ के कह आते हैं, लेकिन क्या उनके दिल में आता है कि हम माता पिता के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन है? उनके दिल में आता है, उनके दिल में भी नहीं आता, लेकिन हमारे तो दिल में ये प्रैक्टिकल बात बैठ गई। क्या बात बैठ गई? कि हमको भगवान बाप मिला है और हम भगवान बाप के प्रैक्टिकल में बच्चे बन चुके, हम ब्रह्मा कुमार हैं और ब्रह्मा कुमारी हैं। भले पूर्व जन्म में हम पति पत्नी थे, लेकिन अब हमें दिव्य नया जन्म मिल चुका है, तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माना ब्राह्मण और ब्राह्मणी आपस में भाई बहन बन चुके। ये हमारे अंदर की समझने की बात है, दूसरों को बोल करके सुनाने की बात नहीं है। क्या कहा? मंदिर में जाते हैं भक्ति मार्ग में, तो वहाँ तो हाथ जोड़ करके कहते हैं पति पत्नी दोनों, क्या कहते हैं? तुम्हें माता, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो। जब तुम ही हमारे माता पिता हो तो हम आपस में क्या हुए? भाई बहन। वहाँ तो ये ध्यान में ही नहीं आता कि हम भाई बहन है, लेकिन यहाँ तो तीसरा नित्य हमारा खोल दिया ना, तो यहाँ तो हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जानी चाहिए कि हम वास्तव में नई सृष्टि के रचयिता ब्राह्मण बन चुके हैं, आपस में भाई बहन है, हमारी निर्विकारी दृष्टि रहनी चाहिए। ये हमारी स्त्री है ये ख्याल भी ना आना चाहिए, ये अंदर के ख्याल रखने की बात है, दूसरों को कहकर के सुनाने की बात नहीं है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, ब्रह्मा के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के क्या हुए? बच्चे हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा का भी बाप कौन? शिव बाप, तो वो हमारा हो गया बाबा। तो हम पोत्रे हैं, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर हमारी आंखें धोखा क्यों देती है? क्या ये असली रक्षाबंधन अभी हमने अपनाया है? वो तो भक्ति मार्ग में ब्राह्मण आकर के राखी बांधते थे घरों घरों में, उससे कोई विकारों से रक्षा तो होती नहीं थी। अभी तो भगवान बाप आकर के हमको ब्रह्मा बन करके हमको रक्षा के बंधन में सूत्र में बांध रहा है, विकारों से हमारी रक्षा कर रहा है, राखी बांधी है, फिर ये आंखें धोखा क्यों देती है? याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हैं। तरीका क्या है? याद मन, पहले अपन को ज्योतिबिंदु आत्मा समझे, तो ये कटौती हो गई देवहन की। क्या कटौती हुई? हम भी ज्योतिबिंदु आत्मा और ये बहन भी ज्योतिबिंदु आत्मा, तो बिंदु बिंदु आपस में भाई भाई हुए या भाई बहन हुए? भाई भाई हो गए। तब जब भाई भाई समझते हैं, ये देह तो विनाशी है, मिट्टी का पुतला है, आज है और कल नहीं रहेगी, ये स्थिति जब हमारी पक्की हो जाएगी आत्मिक स्थिति भाई भाई की, तो ये देह भान खत्म हो जाएगा कि ये स्त्री चोला है और ये पुरुष चोला है, तो फिर याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हैं। याद मन,
पहले अपन को ज्योतिबिंदु आत्मा समझे तो ये कटौती हो गई देवहन की। क्या कटौती हुई? हम भी ज्योतिबिंदु आत्मा और ये बहन भी ज्योतिबिंदु आत्मा। तो बिंदु बिंदु आपस में भाई भाई हुए या भाई बहन हुए? भाई भाई हो गए। तब जब भाई भाई समझते हैं, ये देह तो विनाशी है, मिट्टी का पुतला है, आज है और कल नहीं रहेगी। ये स्थिति जब हमारी पक्की हो जाएगी आत्मिक की स्थिति भाई भाई की, तो ये देहभान खत्म हो जाएगा कि ये स्त्री चोला है और ये पुरुष चोला है। तो फिर याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हैं। बड़ी मेहनत चाहिए इस बात की। आत्मा समझ उस आत्माओं के बाप को याद करने की, एक बाप के डायरेक्शन पर अमल करके चार्ट लिखो। अगर दृष्टि जाती है स्त्री पुरुष की तो क्या करना चाहिए? चार्ट लिखना चाहिए। दिन में एक बार दृष्टि ऐसी गई, दूसरी बार गई, तीसरी बार गई, क्रिमिनलाइज जितनी बार होती है उतनी बार डायरी में नोट करनी चाहिए और नोट करके बाप को बताना चाहिए कि हमसे ऐसी ऐसी भूल हो रही है। डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए ना। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। कैसा वर्षा लेंगे? पूरा वर्षा गति सदगति का। गति माना? अरे पहले तो अपने संकल्पों की गति तो हो। संकल्पों की गति कहीं स्त्री पुरुष के वाइब्रेशन की तो नहीं चलती है? अगर स्त्री पुरुष के वाइब्रेशन की गति चलती है, देवान की गति चलती है, तो दुर्गति में है या सदगति में? तो दुर्गति में। तो गति और सदगति का हम पूरा वर्षा लेंगे। पूरा वर्षा का मतलब क्या हुआ? हम यही इस जीवन में पढ़ाई, बाप जो हमें पढ़ाए रहे हैं उस पढ़ाई के आधार पर अपने मन के संकल्पों की गति को कैसा बना देंगे? निसंकल्पी स्टेज वाला बनाएंगे। ये हमारी हो गई गति। टीचर से पूरा पढ़ेंगे क्या? पढ़ाई जो पढ़ाई बाप पढ़ाने आया है आत्माभिमानी बनाने की, वो पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे? ऐसा टीचर कभी मिल नहीं सकेगा जो बेहद की नॉलेज दे। हद के शारीरिक नॉलेज नहीं देने आया है। कौन सी नॉलेज देने आया है? बेहद की नॉलेज देने आया है। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले और कैसे इस नॉलेज को जान सकेंगे? जो इस सृष्टि के आदि है लक्ष्मी नारायण, वो इस नॉलेज को नहीं जानते थे। उन्होंने खुद ही इस नॉलेज को पा करके नर से नारायण पद पाया है। तो ये बेहद के बाप के द्वारा दी हुई बेहद की नॉलेज है। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो और वो भी संगम युग पर जानते हो। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में, चारों युगों में से कभी भी ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता। ये सिर्फ संगम युग में, माना कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का जो संगम है, उस संगम पर ही बाप आकर के खुद इसलिए नारी को देते हैं। तो बाबा तुम बच्चों को बहुत समझाते, यह करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठ करके बाहर जाते हैं तो सारा ज्ञान बुद्धि में से निकल जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हाँ, बाहर जाने से बाहर की दुनिया का संकरण लग जाता है। अगर बुद्धि को एकाग्र रखे, खूब अच्छी तरह याद रखे, तो हो सकता है उतना संकरण न भी लगे। लेकिन 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है संग के रंग में आने की, इसलिए वो संकरण जल्दी खींच लेता है। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं ऐसे ऐसे करो, यह करो। यह बात बुद्धि में से उड़ जाती है कि बाबा हमको कहते हैं, दुनिया वालों को नहीं कहते। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। इनका फोटो भी नहीं रखो। इनका, हाँ, इन ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखो। लेकिन करते क्या है? अभी भी एडवांस वाले क्या करना चाहते हैं?
एडवांस वाले क्या करना चाहते हैं? एडवांस वाले भी चाहते हैं बाबा का फोटो हमारे पास है। अरे जब जिंदा है तो फोटो रखने की क्या जरूरत, मर जाने के बाद फोटो रखे तो वो भी चले गए, ठीक बात है। जो जिंदा है उस जिंदा का जो चैतन्य चेहरा है वो जितना अच्छा याद आएगा वो जड़ चित्र को देखने से उतना उतने वाइब्रेशन मिलेंगे, जड़ चित्र को देखने से तो उतने वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे। तो बोला इनका ये फोटो नहीं रखो, ये है रख तो लोन लिया हुआ है। ये कौन से रथ के लिए बोला? एक टेम्परेरी रथ बताया और एक मुकर्रर रथ बताया। टेम्परेरी रथ वो जो ना आदि में था ना अंत में रहेगा, और मुकर्रर रथ वो जो आदि में भी था और अंत में भी रहेगा। तो बोला यह रथ तो लोन लिया हुआ है। कौन सा रथ? जो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आए वो रथ तो लोन लिया हुआ है। ये भी पुरुषार्थी है, ये भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदस्य ये भी स्टूडेंट लाइफ में है क्या था? यह माना कौन? प्रश्न की सोल, प्रश्न की सोल अभी क्या है? पढ़ाई पढ़ने वाली है या पढ़ाई पढ़ाने वाली है? अभी भी पढ़ाई पढ़ने वाली है। वो भगत लोग तो ये समझते हैं कृष्ण की सोल हमको दादी गुजरात दादी में आकर के पढ़ाई पढ़ाती है, वो भगवान का रूप है। तो किसको भगवान समझते हैं? गीता का भगवान किसको समझते हैं? ओ तो कृष्ण को गीता का भगवान समझते हैं। और तुम्हारी बुद्धि में ये है कि कृष्ण की सोल गीता का भगवान नहीं है, स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा जो निराकार स्टेज वाला है वो हमको गीता का ज्ञान दे रहा है। तो ये स्टूडेंट लाइफ में है, ये हमारा कौन? प्रश्न की सोल। आगे चल तुम्हारी महिमा होगी, तब महिमा होगी जब तुम ये सिद्ध करके बताओगे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव शंकर के थ्रू है। दुनिया में शिव और शंकर को मिला के एक किया है, किसी दूसरे देवता के साथ शिव का नाम ऐड नहीं किया। क्यों? जरूर शंकर की सोल ने याद का पुरुषार्थ करके उसके बाप के समान अपनी स्टेज को बनाया है। जो बाप की स्टेज वो उस बच्चे की स्टेज बनी है सबसे पहले, इसलिए शिव और शंकर को मिला के एक कर देते हैं। शिव ब्रह्मा को मिला के एक नहीं किया, शिव विष्णु को मिला के एक नहीं किया, या किसी भी देवता के साथ शिव को नहीं मिलाया। किसके साथ मिलाया? शिव को शंकर के साथ मिलाया। दुनिया में भी क्या कहते हैं, क्या करते हैं? एंट्रेंस कंपनी लिखते हैं। तो बाप के साथ बड़े बच्चे का नाम तो ऐड हो सकता है, बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है। वैसे भी जितनी भी राजाइयां हुई हैं, उन राजाइयों की परंपरा में राजाओं ने अपने छोटे या मझले बच्चे को राजाई दी है या बड़े बच्चे को दिए? क्यों दिए बड़े बच्चे को? एक लंबे समय की प्योरिटी की पावर से बड़ा बच्चा पैदा होता है। सारी जिंदगी की जो प्योरिटी की पावर है वो इकट्ठी हुई पड़ी और उस प्योरिटी की पावर से पहले बच्चे ने जन्म लिया, तो उसमें वो प्योरिटी की पावर होने के कारण उसमें राजाई चलाने की ताकत ज्यादा रहती है। इसलिए बताया कि ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चल करके तुम्हारी महिमा होगी जब आगे चल करके तुम ये सिद्ध करोगे कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल दादा लेखराज भगवान का रूप नहीं है। भगवान का रूप कौन है? हाँ शिव बाबा है। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो क्या? अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, बने नहीं हो, लेकिन महिमा कब होगी? जब पूरी पढ़ाई पढ़ करके तुम वो किस कुर्सी पर सेट हो जाओ, देवताओं की कुर्सी पर। तुम्हारी कर्म देख करके, तुम्हारी दृष्टि देख करके, तुम्हारी वृत्ति देख करके, तुम्हारी वाचा देख करके लोगों को ये एहसास हो कि ये देवता है, देने वाला है, हमसे कुछ लेने वाला नहीं है। देवता किसे कहा जाता है?
होता है। जो देने वाला हो कभी किसी से कुछ लेने की इच्छा न करने वाला हो, लेता भी न हो। तो बोला अभी तो तुम सूर्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, अभी क्या कर रहे हो? फिर अभी से वो पढ़ाई पढ़ रहे हो, लेकिन देवता की सीट पे सेट नहीं हुए। फिर सत्युग में तुम देवता बनेंगे, जब युग पलट होता है तब तुम क्या बन जाएंगे? देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप की कोई समझाए नहीं सकता। क्या बात है कि जब सत्यु आएगा तब और देवता बनेंगे, अभी तो सत्यु आया ही नहीं। तो देवता की सीट में सेट होकर के दिखाने की क्या जरूरत? लेकिन सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये समय का नाम है। समय जड़ होता है या चैतन्य होता है? समय तो जड़ है, चैतन्य तो नहीं है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? चैतन्य नहीं है, जड़ में। चैतन्य आत्मा में ज्यादा ताकत होती है। तो उस जड़ युग को भी परिवर्तित करने वाली आत्मा है या जड़ युग आत्मा को परिवर्तन करेगा? जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो पहले अपने को परिवर्तित करके फिर सत्यु को लाएंगी। उनके आधार पर सत्यु आएगा, सत्यु अपने आप नहीं आएगा। तो जो उठे तो अर्ग, जो करके दिखाए तो पहला नंबर। तो सत्यु अपने आप नहीं आएगा, युग परिवर्तन अपने आप नहीं होगा, जरूर कोई निमित्त बनेगा। सत्यु सत्य का युग लाने के जरूर उसको झूठ से चक्कर लेनी पड़े। सत्युग ऐसे ही आ जाएगा क्या? सत्यनारायण की कथा होती है, सत्य लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं होती? एक सत्यनारायण की कथा होती है तो जरूर एक सत्यनारायण को सारी दुनिया जो झूठ है उससे चक्कर लेनी पड़ी होगी ना। तो हम बच्चे भी नंबर वन सत्यनारायण के बच्चे हैं, हमको भी क्या करना पड़े? झूठ की दुनिया से कुछ न कुछ तो हमें मुकाबला करना पड़ेगा। तो ये बात कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। कौन सी बात? कि सत्युग में फिर तुम देवता कैसे बनेंगे? अभी तो कलयुग है, तकदीर में नहीं है, तो फिर संशय उठता रहेगा। क्या बात? ज्यादा ज्यादा संशय आते हैं तो अंदर में क्या समझना चाहिए कि हमारी तकदीर खोटी है, इसलिए हमको बार बार ईश्वरीय ज्ञान में संशय आते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, गीता में भी, गीता में भी, भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं संशय आत्मा विनश्यति। तो बार बार संशय लाना ये हमारी आत्मा को कमजोर बना देता है। आत्मा पावरफुल कब बने? जब हमारी आत्मा निश्चयात्मक बुद्धि वाली बने, ध्रुव तारे की मिसाल हम अटल बन करके रहे, सारी दुनिया हमारे चारों ओर घूमे, हम सारी दुनिया के चारों तरफ में घूमने लग पड़े, दूसरों की बातों से प्रभावित न होने लग पड़े। बाप जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, हम उन बातों के ऊपर पैदा होने वाले बने। तो तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, फिर बाबा कैसे आकर के पढ़ाएंगे? क्या संशय आता है कि भगवान ही सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाएगा? मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानता? कि भगवान कोई मनुष्य तन में आकर के पढ़ाता होगा? मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? याद करने की बात ही वहां से कट हो जाती है। कहां से? जहां संशय पैदा हुआ कि ये बाप नहीं है, या बाप नहीं पढ़ाई पढ़ा सकता, भगवान बाप कैसे आके पढ़ाई पढ़ाएगा? तो वहां से याद ही खत्म हो जाती है, विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। जब याद नहीं करेंगे तो पाप कर्म भी भस्म नहीं होंगे। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। ज्यादा संशय बुद्धि जितने जाति बनते रहेंगे राजधानी में, नीचा नंबर पाते रहे। राजधानी में तो राजा होता है, राजा के बाद रानी होती है, फिर उसके बाद
बड़े बड़े अहदेदार होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सेनापति होता है, महाअमात्य होता है, तो राजधानी अकेले से थोड़ी चलती है। तो सूर्यवंश की राजधानी मानो स्थापन हुई, पहले नंबर की राजधानी, तो उसमें हमारा पद कहाँ जाएगा? अगर जाति संशय आते रहेंगे तो हमारा पद जाति नीचा हो जाएगा। तो राजधानी स्थापन हो रही है, राजशासन भी तो चाहिए, क्या कहा? राजशासन कौन बनेंगे? जो ज्यादा संशय बुद्धि होते रहे उनका पद विजय चिंती होता रहता है। एक बार संशय पैदा हुआ, मरगा नीचे गिर गया, दूसरी बार संशय पैदा हुआ, फिर मरगा नीचे गया। ऐसे जितना जितना संशय बुद्धि बनते जाते हैं उतना उतना मन का माला में नीचे गिरता जाता है। चाहे वो फर्स्ट क्लास 108 की माला हो, चाहे वो सेकंड क्लास 16108 की माला हो, और चाहे वो थर्ड क्लास 9 लाख की माला हो। 9 लाख हार भी तो होता है ना, तो उसमें पद नीचे होते जा रहे हैं। दास दासियां भी तो बनेंगे ना, राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं। जो राजाएं बनते हैं उन राजाओं को दास दासियां भी दहेज में मिलती हैं। यहाँ इतनी दासियां रखते हैं तो सचिव में फिर कितनी होंगी? बड़े बड़े घरानों में यहाँ ही इतनी इतनी दासियां रखते हैं तो सचिव में फिर कितनी होंगी? ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर के बनना पड़े। कैसा ढीला पुरुषार्थ? बाबा से पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो? बाबा अभी हम मर जावे तो क्या पद पावेंगे? क्या पूछ सकते हो? अभी हम मर जावे तो क्या पद पावेंगे? पूछता कोई नहीं, कोई पूछता है? कोई मरना नहीं चाहता। जीते जी मरना तो चाहिए, छोड़ के नहीं मरना चाहते। एडवांस में आने वाले तो कोई पूछेंगे ही नहीं, वो तो जानते हैं कि शरीर छोड़ देंगे तो फिर पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे। छोटा बच्चा बनना पड़ेगा, गर्भ में बहुत दिन रहना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और हमको तो ऐसा पुरुषार्थ करना है जो शरीर के अंदर रहते हुए ही हम नई दुनिया स्वर्ग में पहुंच जाए, ऐसे नए संगठन में पहुंच जाए जहाँ किसी प्रकार का दुख हमको महसूस हो ही नहीं। तो अगर कोई बाबा से पूछे कि बाबा हम मर जाएं तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा झट बता देंगे। क्या बता देंगे? एक तो मरने की बात न हद में आनी चाहिए बुद्धि में, और न बेहद में आनी चाहिए। हद में मरने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि हमें कंचन काया बनानी है, एडवांस पार्टी वालों को सबको पता है। और बेहद में मरने की बात, बेहद में मरने की बात है, निश्चय अनिश्चय में मरना। बाबा के ऊपर निश्चय उठ गया तो जैसे बाप का बच्चा नहीं रहा, और बाबा के ऊपर निश्चय बैठ गया कि हमारा भगवान बाप आया हुआ है, हमको भगवान बाप मिला है, तो क्या हुआ? जैसे बच्चा बन गया, पैदा हो गया। तो मर गया बेहद में, अगर कोई पूछता है तो इसका मतलब बाबा समझ जाते हैं ये दास दासी बनने वाला है, इसलिए पूछ रहा है। अपना पोता मिला आते ही देखो, पूछने की बात ही नहीं, अंत में नंबर बार करना की अवस्था हो जाएगी। क्या कहा? एक साथ एक जैसी कर्माती अवस्था नहीं होगी किसी की, अंत में नंबर बार कर्माती अवस्था होगी। ये है सच्ची सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वो तो एक हाथ से खाना खाते हैं और दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। उन्हें तो वो विनाशी धन कमाने की ताक लगी हुई है। तो तुम क्या करो? तुमको कौन सी ताक लगी रहे? तुमको जो अविनाशी ज्ञान रतन धन है उनकी ही बिजनेस करने की ताक लगी रहे। आप बताओ, ऐसे आदमी जो हद की कमाई में इतना बुद्धि बिजी किए हुए हैं, वो ज्ञान में चल सकेंगे? बाबा कहते हैं ऐसे लोग
जो दो दो फोन एक इस कान में लगा हुआ है, एक इस कान में लगा हुआ है, न रात है न दिन है, 24 घंटे वो धनी विनाशी कमाई करने में लगे हुए हैं, वो इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, उनकी किस्मत फूटी हुई चाहिए। उनसे कहो तो कहेंगे हमको फुर्सत मिला। अरे सच्ची राजाई मिलती है बाप को सिर्फ याद करने से, तुम्हारी विकल्प विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं है। किसकी याद से? जो 8 देवताओं को याद करते हैं, भले लोगों को सजाएं नहीं खानी पड़ती है 8 देवताओं को, क्या वो परमा की अवस्था को सबसे पहले पाते हैं, सजा खाने वाले नहीं होते हैं, फिर भी उनकी याद करने से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई न कहे कि फलानी बात पर तो हमको समझाया ही नहीं। अभी भी कोई कोई को ये संशय बैठते हैं क्या कि एक बाप थोड़ी सारी दुनिया को पति से पावन बना देगा, कम से कम और धर्मों की और हेड साथ में भी तो होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर बाद में ये नहीं कहना कि हमने ये बात बाबा से सुनी नहीं। आपके देवता आदि को भी याद करते हैं, उनकी याद से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बाबा समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई ना कहे कि फलानी बात पर तो हमको समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना, वो तो पैगंबर होते नहीं है। कौन? जो परमधाम से धर्म स्थापक आते हैं वो कोई पैगाम परमधाम से नहीं लाते। परमधाम में तो निसंकल्प की स्टेज है, वहाँ पैगाम थोड़े देने वाला बाप बैठा हुआ है जो पैगाम देकर के भेजेगा। वास्तव में इस समय संगम युग पर तुम बच्चे दुनिया को पैगाम परमात्मा का जाकर के देते हो। तुमको सबको पैगाम देना है, एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए? एरोप्लेन से भी पर्चे गिराना चाहिए, उसमें लिखो शिव बाबा हमको ऐसे ऐसे कहते, ब्रह्मा जी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वह भी बाप और यह भी बाप, वह कहके किसको कहा? जो भविष्य में पार्ट होने वाला है उसके लिए कहा कि वह भी बाप और यह भी बाप, माने इस ब्रह्मा चेतन में जो बैठा हुआ है वो भी बाप, यह बेहद का रूहानी बाप और वो है जिस्मानी बाप, वो भी बेहद का, ये भी बेहद का। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों के प्रेम के आंसू आ जाते हैं, बहुत से बच्चों ने कभी देखा भी नहीं है फिर भी लिखते हैं बाबा सब आकर के आपसे हम मिलेंगे, बाबा आकर के हमको इस बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है, आगे चल करके बहुतों को साक्षात्कार होंगे। क्या था शुरुआत में तो कम साक्षात्कार हुए सिंध हैदराबाद में, जब लास्ट समय आएगा प्रत्यक्षता का तो उस समय बहुतों को साक्षात्कार होंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं साक्षात्कार होने से किसी को सब गति सदगति मिल जाएगी। साक्षात्कार से किसी को गति सदगति मिलने वाली नहीं है, वर्षा प्राप्त करने के लिए फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मनुष्य को मरने के समय भी कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे पिछाड़े में खूब पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। क्या अभी तो बहुत सवेरे में उठते ही नहीं है, और उठते भी हैं तो सब उठते ही क्या होता है और जुट के आने शुरू हो जाते हैं, मना पुरुषार्थ करते ही नहीं। आगे चल करके ऐसी हवा बह पड़ेगी कि जो पुरुषार्थ न भी करने वाले होंगे वो भी पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो, बाप की याद में रह विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे आ सकते हो। क्या कहा? ऐसे नहीं समझो कि ये तो बहुत लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं और हम तो अभी नए नए आए हैं, अब हम तो आगे नहीं जा सकेंगे। ये ईश्वरी पढ़ाई की कमाल है। क्या कमाल है? कोई कितना भी लास्ट में आए लेकिन आप लास्ट में आकर के भी वो सबसे आगे जाते हैं, और ऐसा प्रैक्टिकल में अंत में देखेंगे भी।
शुरुआत में अभी एडवांस पार्टी में नहीं दिखाई पड़ रही है और लास्ट में आएंगी और लास्ट में आकर के भी एडवांस में सबसे आगे जाकर स्पीड वाला बेटा होगा तो भगवान को लैंग्वेज कितने काम हो गए। कुमार कुमारियों ने जो ब्रह्मा कुमार कुमारी सरेंडर होकर के अंदर रहे पड़े थे बाबा से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ रहे थे सामने बैठ करके पढ़ रहे थे ना वो एडवांस में आकर के परमात्मा बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने में पीछे रह गए और जो घरगस्त की टीचर में रहने वाले थे जो घरगस्त की टीचर में रह करके वो पढ़ाई पढ़ रहे थे वो आगे चले गए। एकलव्य का मिसाल है वो बाहर में रह करके उसने विद्या की थी और पांडवों को डायरेक्ट पढ़ाई मिल रही थी महल में बैठ करके पढ़ाई पढ़ रहे थे लेकिन पांडव द्रोणाचार्य जी जो पढ़ाई पढ़ रहे थे उस बाण विद्या में टीके नहीं हो सके और एकलव्य बहुत तीखा निकल गया। नाम उसका क्या रखा एकलव्य। तीखा जाने का कारण क्या बताया नाम है काम के आधार पर कौन सा काम एक से लव था तो एक से प्यार जो है वो बहुत आगे बढ़ाई देता है। व्यभिचारी याद नहीं होनी चाहिए व्यभिचारी प्यार नहीं होना चाहिए थोड़ा इनको प्यार किया थोड़ा उनको प्यार किया थोड़ा इसको याद किया थोड़ा उसको याद किया नहीं एक भरोसे एक बले एक आप विश्वास वो भक्ति मार्ग में भी गायन करते हैं। ऐसी जो अभी विचारी याद है तो तीव्र गति से पाप कर्मों को भस्म कर देती है। तो बाप कहते हैं मेकअप कर लो यहाँ आकर के कमाई करने लग जाओ बाबा राय भी देते हैं ऐसे ऐसे करो अपना अपना कल्याण करो बाप की श्रीमत पर चलो एरोप्लेन से पर्चे गिराओ जो मनुष्य समझे ये तो बरोबर पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए जो फिर ऐसे कोई न कहे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि भगवान बाप आया हुआ है। अच्छा मीठे मीठे चुकी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चे जब एक आत्मा का भी इतना प्रभाव कर सकता है तो जब हम सही हम